नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन में दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है तो उनमें एल्केन से दो हाइड्रोजन एटम कम होने चाहिए। इस प्रकार एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और 2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एल्कीन का प्रथम सदस्य इथीन यानी C2H4 होता है और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करने पर एक ऑयली द्रव प्राप्त होता है। इसलिए एल्कीन्स को ओलेफिन यानी तेलीय यौगिक बनाने वाले भी कहा जाता है। इस स्लाइड में हम दुई आबंध की संरचना यानी डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी लगभग 397 किलो जूल पर मोल होती है, जो दो कार्बन एटम्स के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी सम्मुख अति व्यापन से बनता है। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के 2p असंकरित कक्षों यानी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के संपार्श्विक अति व्यापन यानी लेटरल या साइडवे ओवरलैपिंग करने पर एक दुर्लभ पाई बॉन्ड बनता है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 284 किलो जूल पर मोल होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 पिकोमीटर होती है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 1.34 पिकोमीटर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है। पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल के दुर्लभ अतिव्यापन यानी वीक ओवरलैपिंग के कारण दुर्लभ होते हैं, इसलिए पाई आबंध वाले एल्कीन्स को दुर्बल बंधित गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत कहा जाता है। इसलिए एल्कीन्स पर उन अभिक्रमकों यानी रिएजेंट और यौगिकों जो इलेक्ट्रॉन की खोज में हो का आक्रमण आसानी से हो जाता है। ऐसे अभिक्रमकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। दुर्बल आबंध की उपस्थिति एल्कीन अणुओं को एल्केन की तुलना में अस्थायी बनाती है, इसलिए एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमकों के साथ संयुक्त होकर सिंगल बॉन्ड युक्त यौगिक बनाते हैं। सीसी डबल बॉन्ड की सामर्थ्य इथेन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तुलना में अधिक होती है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 348 किलो जूल पर मोल होती है। और यहाँ पर आप इथीन का कक्षीय आरेखा केवल सिग्मा बॉन्ड को देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम नाम पद्धति यानी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीनों के आईयूपैक नाम पद्धति के लिए द्विआबंध युक्त दीर्घतम कार्बन परमाणु यानी डबल बॉन्ड की श्रृंखला में अनुलग्न एन के स्थान पर अनुलग्न तीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिथीन इसका पहला एलिमेंट होता है, जिसका फॉर्मूला CH2 होता है, जिसमें एन की वैल्यू 1 होती है और इसे हम मिथीन कहते हैं। इसकी आयु बहुत छोटी होती है। जैसा पहले बताया गया था कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य C2H4 को इथीन कहते हैं और कुछ और सदस्यों के आईयूपैक नेम कुछ इस तरह हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये है, ब्यूट 1-ईन का स्ट्रक्चर ये है, ब्यूट 1-3-डाईईन इसमें दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं इसलिए यह डाईईन है, इसका स्ट्रक्चर ये है, 2-मिथाइल-प्रोप 1-ईन का स्ट्रक्चर ये है और 3-मिथाइल-ब्यूट-1-ईन का स्ट्रक्चर ये है। इस स्लाइड में हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन द्वारा संरचनात्मक एवं ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है, जिसमें पहली है संरचनात्मक समावयवता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एल्केनों की तरह इथीन जिसका फॉर्मूला C2H4 तथा प्रोपीन जिसका फॉर्मूला C3H6 में केवल एक ही संरचना होती है, लेकिन प्रोपीन से हायर एल्कीन में भिन्न स्ट्रक्चर
पाए जाते हैं, जैसे कि C4H8 अणुसूत्र वाले एल्कीन को तीन प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें पहला है ब्यूट 1-ईन, दूसरा है ब्यूट 2-ईन और तीसरा है 2-मिथाइलप्रोपीन। स्ट्रक्चर 1 एंड 3 और स्ट्रक्चर 2 एंड 3 श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म के उदाहरण है, जबकि संरचना यानी स्ट्रक्चर 1 एंड 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है। दूसरा है ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणुओं की बची हुई दो वैलेंसियों को दो परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। अगर प्रत्येक कार्बन से जुड़े दो परमाणु या समूह भिन्न भिन्न है तो इसे YXC डबल बॉन्ड CXY द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी संरचनाओं को स्पेस में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। स्ट्रक्चर A में एक समान दो एटम दोनों X या दोनों Y डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के एक ही ओर स्थित होते हैं। संरचना B में दोनों X और दोनों Y डबल बॉन्ड कार्बन की दूसरी तरफ या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के विपरीत स्थित होते हैं, जो विभिन्न ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, जिसका स्पेस में परमाणुओं या समूह की भिन्न स्थितियों के कारण विन्यास भिन्न होता है, यानी उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। ये त्रिवम समावयवी यानी स्टीरियो आइसोमर हैं। इनके समान ज्यामिति तब होती है जब डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु या समूह का घूर्ण हो सकता है यानी रोटेशन हो सकती है, लेकिन सी डबल बॉन्ड सी कार्बन एटम में मुक्त घूर्ण नहीं होती है, यानी पूरी रोटेशन नहीं होती है, यह प्रतिबंधित होती है। परमाणुओं तथा समूहों के डबल बॉन्ड कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रतिबंधित रोटेशन के कारण यौगिकों द्वारा भिन्न ज्यामितीय प्रदर्शित की जाती हैं। इस प्रकार त्रिवम साम्यवस्था जिसमें दो समान परमाणु या समूह एक ही ओर स्थित हो उन्हें समपक्ष यानी सिस कहा जाता है, जबकि दूसरे समावयव जिसमें दो समान परमाणु या समूह विपरीत ओर स्थित हो उसे विपक्ष यानी ट्रांस समावयव कहा जाता है। इसलिए स्पेस में सिस और ट्रांस आइसोमर की संरचना समान होती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। स्पेस में परमाणुओं या समूहों की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण ये आइसोमर उनके गुण जैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनके पोलराइजेशन में भिन्नता दर्शाते हैं। जैसा कि आप ब्यूट 2 की ज्यामितीय समावयवता अथवा समपक्ष और विपक्ष यानी सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है और सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की एक तरफ हैं और ट्रांस में दोनों मिथाइल ग्रुप और दोनों हाइड्रोजन ग्रुप डबल बॉन्ड के दोनों अलग अलग तरफ हैं। इस स्लाइड में हम एल्कीन्स की विरचन यानी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एल्काइन से डाइहाइड्रोजन की परिकलित मात्रा में यानी कैलकुलेटेड मात्रा के साथ पैलेडाइज चारकोल की उपस्थिति में, जिसे सल्फर जैसे विषाक्त यानी पॉइजन यौगिकों द्वारा आंशिक निष्क्रिय यानी पार्शियली इनर्ट किया गया हो तो इसके आंशिक अपचयन पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडाइज चारकोल को लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त एल्कीनों की समपक्ष यानी सिस ज्योमेट्री होती है। एल्काइन्स की सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ रिडक्शन करने पर ट्रांस आइसोमर वाले एल्कीन प्राप्त होते हैं। और इसका एग्जांपल कुछ इस तरह है कि जब हमने एल्काइन को पैलेडाइज चारकोल के साथ रिएक्ट कराया, H2 की प्रेजेंस में दो है सिस एल्कीन बना। दूसरा एग्जांपल है कि जब हमने एल्काइन को H2 से रिएक्ट कराया सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में तो उसने ट्रांस एल्कीन दिया। दूसरा है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड जिसे हम RX से दिखाते हैं को अल्कोहलिक पोटैश की उपस्थिति में गर्म करने पर हैलोजन अम्ल के अणुओं के विलोचन यानी एलिमिनेशन पर एल्कीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं यानी डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण कहते हैं। यह एक बीटा विलोपन यानी बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि
कि बीटा कार्बन परमाणु, इसका मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उससे अगले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब हमने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराई तो अल्फा कार्बन से तो X गया पर हाइड्रोजन बीटा कार्बन से गया, इसलिए इसे हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। हैलोजन परमाणु की प्रकृति तथा एल्काइल समूह ही अभिक्रिया की दर निर्धारित करते हैं। ऐसा देखा गया है कि हैलोजन परमाणु के लिए दर इस तरह होती है कि सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर उससे कम ब्रोमीन और उससे कम क्लोरीन, जबकि एल्काइल ग्रुप के लिए यह टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होती है। तीसरा है सन्निध डाइहैलाइडों से, यानी फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड जिसमें दो निकटवर्तीय कार्बन परमाणुओं पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हों उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। विसिनल डाइहैलाइड जिंक धातु से अभिक्रिया करके ZnX2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके एल्कीन देते हैं। इस अभिक्रिया को विहैलोजनीकरण या विहैलोजनन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। चौथा है अल्कोहल के अम्लीय निर्जलन से अल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें हम ROS से प्रदर्शित करते हैं जहां R बराबर CnH2n+1 है। अल्कोहल को सांद्र यानी कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर जल के एक अणु का एलिमिनेशन होता है और फलस्वरूप एल्कीन बनता है, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल अणु से जल का एक अणु विलोपित यानी एलिमिनेट होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण कहते हैं। यह बीटा विलोपन यानी बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाता है और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एल्कीन्स के बारे में सीखा और अगली वीडियो में हम एल्कीन्स के गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे, यानी उसके भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।